आते थे तो बजाए इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते, इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया, क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और यह वजह है पाकिस्तानियों नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया, क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया, कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकक्रप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं यह भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल